हाउसवाइफ है, सब जानती है। अब तक आपने देखा सुनैना कन्हैया से पूछती है कि नौकरानी मिल गई, तो कन्हैया कहता है, मैडम भाभी सोना जी को थोड़े दिन और घर का काम संभालने दीजिए ना। सुनैना को उसकी सहेलियों का फोन आता है और वो उन्हें घर आने के लिए कहती है। सोना और नीलम सुनैना की सहेलियों के बारे में जानकारी के लिए ज्ञानेश्वर के पास जाती हैं। तो ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, जब हमारी एक भाभी के साथ मुकाबला करना इतना मुश्किल है, तो जब उस जैसी नहीं बल्कि उनसे कहीं बढ़कर चार चुनौतियां तुम दोनों के सामने आएंगी तो क्या होगा। अब देखिए आगे। अरे सुनैना, 12 साल के बाद भी तुम्हारे चेहरे पे ये रौनक। गजब संगम का पानी, अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमारा महाकुंभ अधूरा रहता। अरे कैसे नहीं मिलते, दोस्ती तोड़ देते। इलाहाबाद आती और म्योर रोड ना आती तो सुनैना जाने देती क्या? अरे हवाई जहाज पे चढ़ के खींच के उतार लाती। और तुम्हारे ये जो लखनऊ और बनारस वाले हैं ना, सब देखते रह जाते। अरे अब तो इलाहाबाद वाले देखते रह जाएंगे। हम सहेलियों का संगम। सोना बहू, आरती की थाली लाओ। ये है सोना बहू। तो ये है मम्मी जी की सहेलियां। सोना बहू, अब तुम्हारी खैर नहीं। यही रिपोर्टर है ना, तूने बताया था? नहीं माँ जी, हाउसवाइफ। ये है हमारे सपूत और ये है उनकी घरवालियां और ये है इनके बच्चे। ये है चीकू और ये है डिंपल। जूली और वो है, वो देखो नीली शर्ट में, हमारे दामाद दुर्गेश जी। सारा बुंदेलखंड जानता है कि हमारी किस्मत की नहीं, गोदावरी ठकुरायन की चलती है। हाँ ठीक उसी तरह जिस तरह घर में सास हो ना, तो फिर सास की ही चलनी चाहिए। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो सारी मुसीबत की जड़ पैसा होता है, पर सुनैना को देख के लगता है उसके हिसाब से उसकी नई बहू सोना ने एक सास को ललकारा है। पूरा हिंदुस्तान जानता है सास का मतलब सास और बहू का मतलब बहू। अरे ये तुम्हारी बहू कल की आई हुई छोकरी हमारी सुनैना को मात कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको जो बोलना है वो बोलने दे। सविता ताई ठीक कह रही है, सोना को तुम्हारे घर की परंपरा तोड़ने की छूट नहीं मिल सकती। काम पर तो उसे जाना ही होगा। हाँ हम सबको मिलकर है ना सोना को बताना होगा कि सास सास होती है और बहू बहू।
अरे ओए गायत्री, याद है तुझे अपनी अपनी शादियों से पहले हम सब सहेलियों ने मिलकर एक दूसरे से क्या वादा किया था? हाँ हाँ याद है कुटुम्ब, हम सब ने वादा किया था कि हम पर जब भी कोई मुसीबत पड़ेगी तो हम सब उस परेशान करने वाले को नानी याद दिला देंगे। चलो तो फैसला हो गया। तुम सबको मालूम है मैंने मेरी अर्चना को कितनी बार उसकी बोलती बंद कर दी है, और तेरी बहू की बोलती बंद करना और अकल ठिकाने लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो मिलाओ हाथ। अरे बहू। अरे माँ जी आप। हाँ क्या लेके बैठी? पालक, आलू, सब्जी, कुकर सब छोड़ ऑफिस जा। माँ जी ये सब तो अपने घर के काम है, इन्हें तो हमें करना ही चाहिए। ये क्या हमें हमें? सविता ताई बोलती है ना तो सिर्फ सुनने का। मेरे मानव अर्चना को देख, चढ़ने नहीं दिया मनमानी का बुखार, जैसे चढ़ा उतार दिया। तुम भी जाओ काम पे नहीं तो महंगा पड़ जाएगा। अरे सुने ना तेरी सास है, सास की इज्जत करना सीखो बेटा। हमने तो कभी किसी की बेइज्जती नहीं की माँ जी। तो अभी करो, बड़ा शौक चढ़ा है ना तुमको। क्या चाहती है तू? सुनैना के 40,000 के लिए तू पुरन पोली बनाते बैठेगी यहाँ? अपनी स्टैंडर्ड का ख्याल करो। माँ जी इतने बड़े परिवार को संभालना, इतने बड़े घर को संभालना, स्टैंडर्ड कैसे गिरा सकता है? अरे देवा ये कन्हैया ने तुझे इतना भी नहीं समझाया जो सविता ताई को तुझे समझाना पड़ता है। देख कन्हैया को समझना चाहिए और समझाना चाहिए। कन्हैया के जगह अगर मेरा मान होता ना तो डांट डांट के भेज देता ऑफिस। हाँ माँ जी आपको खाने में क्या पसंद है? हम अभी बना ये हैं। लड़की बात बदलने की नहीं, पहले पूरा सुनने का। सविता ताई बोलती है ना तो लोग सुनते हैं। ज्ञानेश्वर जी आपकी भाभी के साथ इतने कड़वे अनुभव हो रहे हैं और आप यहाँ बैठे बैठे किससे कहानियाँ पढ़ रहे हैं? खुदावरे जी आप बैठिए ना। जी नहीं मुझे मत बिठाइए, बल्कि आप खड़े हो जाइए। देवर हैं आप सुनैना के, उसका साथ देने के बजाय चार दिन की आई लड़की का आप साथ दे रहे हैं। खुदावरे जी विश्वास कीजिए ये आपकी गलत फहमी है, आप खुद समझदार हैं, सब कुछ जानती हैं। आपने सुना होगा कि अफवाहें होती हैं इनके पर होते हैं, वो जैसे जैसे वो उड़ती हैं बस उड़ती चली जाती। चतुराई से आप बात बदल सकते हैं, चतुराई से सच्चाई नहीं बदल जाती। गुदावरी जी मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ पूछने के मूड में हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो हाउसवाइफ है ही नहीं उसे ठेल ठेल के हाउसवाइफ के इम्तिहान दिलाने की क्या जरूरत है? हम तो बस यही सलाह देंगे कि उसे समझा दीजिए सुनैना क्या चाहती है। अरे ओए सुनैना तू चिंता ना कर। हाँ अरे सविता ताई और गोदावरी है ना तेरी बहू, सोना की अकल ठिकाने लगाकर बस अब आती ही होगी। अरे पर इतनी देर कैसे लगा दी उन्होंने? इज्जत से रहना है ना तो मेरी बात सुन, सीधा रहने का और काम पे चला जाने का, नहीं तो ये तेरा रिपोर्टर दिमाग है ना वो चलना बंद कर दूंगी। हाँ माँ जी। ए माँ जी की बच्ची पहले पूरा सुनने का। माँ जी अभी इस घर को हमारी जरूरत है हाउसवाइफ सोना की। अरे आप हमें बताइए ना आपको खाने में क्या पसंद है, हम इतना अच्छा बनाएंगे कि आप उंगली चाटती रहे। ऑफिस जाएगी कि नहीं? पहले आप खाना खा लीजिए।
फिर आराम से बात करते हैं। गलत को शय मत दीजिए, उसे काम पर भेजिए और ये रोज रोज की सास बहू की चिक चिक बंद करवाइए। देखिए वो दरअसल क्या है कि चाचा जी आपकी दवाइयाँ। अरे बेटी तुम्हारा जवाब नहीं, सब कुछ याद रहता है तुम्हें, किसे क्या चाहिए, किसकी कैसी सेहत है कुछ नहीं चूकता तुम्हारी नजरों से बेटा, शाबाश। माँ जी आपकी अंगूठी। ध्यान ही नहीं रहा, वो हाथ धोते समय छोड़ दी होगी और ख्याल नहीं रहा। गोदावरी जी देखा आपने, इसे कहते हैं हाउसवाइफ। माँ जी हमने तो शास्त्रों और संस्कारों में यही सीखा है कि सुहागन के माथे का सिंदूर उसके अस्तित्व की पहचान होती है और सुव्यवस्थित परिवार उसके वजूद का एक हिस्सा होता है। माँ जी अगर हम अपने परिवार के लिए हाउसवाइफ बने रहना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? ये लो आगे। सविता ताई गोदावरी क्या हुआ, सोना बहू के दिमाग का ढक्कन खुला कि नहीं? सुनैना तेरी ये बहू सोना है ना, मेरी बहू अर्चना से चार हाथ आगे है। क्या मतलब? मतलब ये कि साम दाम दंड का कोई असर नहीं होने वाला तुम्हारी बहू पर। ये सब है ना किस्मत का दोष है सुनैना। तुम सब मुझे एक बात बताओ, साम दाम दंड अगर फेल हो गए तो क्या एक सास के घर में बहू राज करेगी? नहीं, हमारे पूरे हथियार खत्म नहीं हुए हैं, एक हथियार बाकी है, वो है ईद। तो बताओ अब करना क्या है? सुना है भूत में भविष्य में बहुत नजर है तुम्हारी, तो आज तुम्हारे ज्योतिष की जानकारी की गलियों से निकलेगी इंस्पेक्टर कन्हैया के भविष्य की सवारी। अगर सब कुछ हुआ सही और सटीक तब तो तुम यहां से कुशल मंगल जाओगे, और अगर नहीं फिर वहां जाओगे जहां सब जाते हो। अरे देखो नहीं सुनो हमारे सब क्या कह रहे हैं, कितने परेशान हैं और अपने भविष्य की चिंता में कितनी अच्छी बाणी गई है, अब आप कुछ करो। इतना बड़ा राजयोग, इस साल ना आपकी तरक्की पक्की है। इंस्पेक्टर, एसपी, कलेक्टर लेकिन आप इतने तनहाग्रस्त क्यों लग रहे हैं? तनहाग्रस्त? हाँ यार बोल तो सही रहे हो, ग्रस्त तो नहीं मगर त्रस्त है। अब जिस बात से त्रस्त है उस बात ने हमारे दिल से लेके दिमाग तक 50,000 टुकड़े कर दिए उसके। ये अंदरूनी मामला है दिल का, और अंदरूनी मामले का उपाय भी अंदरूनी होता है। आपका जो अरमान अधूरा है वो पूरा हो सकता है, क्योंकि जो काम प्यार से नहीं होता कभी कभार जलन से हो जाता है। क्या कहा? जो काम प्यार से नहीं होता जलन से हो जाता है? हाँ जलन। सब लोगों
लोगों के लिए एक जरूरी ऐलान है। हम यहाँ प्रयाग की पावन भूमि में आए, स्नान दान ध्यान किया, महाकुंभ के दर्शन किए, आपके घर पर अतिथि बनकर आए, लेकिन यहाँ आने पर हमने महसूस किया कि हमारी सहेली सुनैना की तकलीफों को नजरअंदाज कर रही है ये नई बहू सोना। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। अगर अतिथि खुशी खुशी स्वीकार करे तो ही पुण्य मिलता है। पिछले कुंभ में जब हम आए थे तो सुनैना ने हमारा तहे दिल से स्वागत किया था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि खुद उसी के घर में उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम सब ने यह फैसला किया है कि हम सब सामूहिक उपवास रखेंगे। और अगर सोना बहू हाउसवाइफ बनने की जिद छोड़कर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाएगी ना, तब जाकर हम अपना उपवास तोड़ेंगे, वरना तीर्थ से आए हुए मेहमानों को भूखा रखना और उनका सत्कार ना करने पर सोना बहू को इतना सारा पाप लगेगा। तो सोना बहू कान खोलकर सुन, तू अगर चाहती है कि घर में आए हुए अतिथि अपना उपवास तोड़ दे तो तू काम पर जा, वरना घर में आए हुए अतिथियों को भूखे रखने के पाप में भागीदार बन जा। आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि हम सहेलियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि जब तक नई बहू ऑफिस ज्वाइन नहीं करेगी हम अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे, भले ही हमारा दल घूम जाए। मम्मी जी, ये तो अजीब मुसीबत खड़ी हो गई। अगर मम्मी जी की सहेलियां उपवास करके इस घर से बाहर गई ना, घर की परंपरा और अतिथि देव का धर्म टूट जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। अरे हम नहीं रोक सकते, वो मम्मी जी और उनकी सहेलियां हैं, इतनी आसानी से उपवास नहीं तोड़ेंगी। अब तो सोना बहू को ही कुछ करना पड़ेगा। सही कह रही हो जीजी, दिस इज कॉल्ड इमोशनल ब्लैकमेल। मम्मी जी पर्पसली सोना को मजबूर कर रही है, शी वॉन्ट्स दिस। सोना, अब हम क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें, कौनो कुछ नहीं कर सकता, केस पूरी तरह से बिगड़ चुका है। नहीं, अभी गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए सोना को अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। अब सोना बहू को वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझी तो गड़बड़ हो जाएगा। मामला इतना संगीन है तो हमें लगता है कन्हैया को ही फोन करके बुलवाना पड़ेगा। हेलो कन्हैया। हाँ गोवर्धन भैया। अरे गजब हो गया। अरे क्या हो गया है, कौन खो गया, इतने घबराए हुए क्यों भैया? यहाँ सबका सुख चैन खो गया, मम्मी जी ने उपवास का ऐलान कर दिया और ये सब तुम्हारी सोना की वजह से हुआ, इसलिए फौरन घर चले आओ। हाँ तोड़वाना है मम्मी जी का उपवास, जाना पड़ेगा उनके पास। जब परिवार वालों के चेहरे का रंग उड़ता नजर आए इसका मतलब एक ही है कि भाभी के मोर्चे का रंग असर दिखा रहा है। हाँ चाचा जी, और हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा हम इस धर्म संकट से कैसे निकले। संस्कारों ने हमें सिखाया है कि अतिथि भगवान समान होते हैं और उनका उनका ऐसे अकारण उपवास पे जाना, वो भी हमारी वजह से, समझ में नहीं आ रहा उनका उपवास कैसे तोड़े।
तो इससे पहले पूरा घर तुम ही संभालती थी? हाँ हाँ गोदावरी, अरे चतुर्वेदी परिवार की पहले यही तो हाउसवाइफ थी, है ना? अब फिर से तू ही इस घर की हाउसवाइफ। ये सविता ताई का वादा है, उपवास है ना? अच्छा इसमें अनार है, सेब है और केले का स्वाद भी आ रहा है, लेकिन और एक फल कौन सा ये पता नहीं लग पा रहा। उफो, अब क्या करूं? क्या हुआ मेरे जिक्कू राजा, क्या बड़बड़ा रहा है तू? कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। क्या समझ नहीं पा रहा? आधे घंटे से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप पी के देखो ना। पद्माश, जाके बोल अपनी चाची से कि सुनैना जो कहती है ना वही करती है, और सुनैना का फास तोड़ना बच्चों का काम नहीं है। चल भाग यहां से, और ये ले जा अपना गिलास, अपनी चाची को पिला, हमारा फास तोड़े। कन्हैया बेटा वहां क्यों खड़े हो, अंदर आ। ये हमारा बेटा कन्हैया, और ये है हमारी सहेलियां गोदावरी, और ये है सविता ताई, कुट्टू और गायत्री। सदा सुखी रहो, जीते रहो पुत्र, हमेशा खुश रहो, और अपनी माँ का नाम रोशन करो। जी का नाम रोशन करेंगे ही हम। मम्मी जी आज होंगे सबके पूरे अटके हुए काम, और हमारे पूरे होंगे अरमान। जो काम प्यार से नहीं होता, कभी कभार जलन से हो जाता है। मतलब मम्मी जी हमें पता है कि जब दिल जो है वो टूटता है तकलीफ तो होती है, मगर क्या है जिंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा। अब जो चीज किस्मत में नहीं है नहीं मिलेगी, जो मिलना है मिल जाएगा, जो खोना है वो खो जाएगा। लेकिन आज हमने एक फुल एंड फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब सोना जाएगी ऑफिस के रूट, आप सबका जाएगा उपवास रूट। आप बस आशीर्वाद दीजिए। कन्हैया बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ, लेकिन अब की बात कंफ्यूज आना मत, नहीं तो ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अरे मम्मी जी आप चिंता काय करती हैं? देखिए अब चलेगा कृष्ण कन्हैया का सुदर्शन चक्र, और आप सबको ना हम पर होगा फक्र। वाह वाह। सुना घर में सब नाराज है। अपनी जिद छोड़ के मम्मी जी का कहा क्यों नहीं मान लेती तुम? ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो जानते हैं हम ये सब। वही कह रहे हैं जो बहुत पहले कह देना चाहिए था, इंतजार कर रहे थे कि आप अपने से समझ जाएंगी, मगर वो दिन नहीं आया और ये दिन आ गया, और अब हम आपके सुनने वाले नहीं। इसमें हमारी क्या गलती है, आप तो जानते हैं ना कि हमारी गलती क्या है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारे होते हुए मम्मी जी भूख हड़ताल पर है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, और अब आप हमारा कहा मानेंगी, हमारा फैसला सुनेंगी, मम्मी जी और उनकी सहेलियों का खुशी खुशी उपवास तोड़वाइए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जा रहे हैं और तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपना फैसला नहीं बदल लेते। आपने हमसे कभी ऐसी बात नहीं की है। हाँ तो आप कह रहे हैं मम्मी जी और उनकी सहेलियों का कहा मानकर उनका उपवास तोड़वा कर हमें डिनर पे बुला लेना, वरना हम नहीं आएंगे।
देखिए, बचपन से आप सब लोग हमें जानते हैं, जो बात एक बार हम ठान लेते हैं ठान लेते हैं, डिसीजन एक बार ले लेते हैं तो फिर हम ले ही लेते हैं। हमने हमारा फैसला सुना दिया, फैसला सोना का आना बाकी है। सोना अपने काम पर लौटकर सबको डिनर कराती है या फिर महाकुंभ के अतिथियों को भूख हड़ताल पर रखती है, उनको उपवास पर रखती है। हाउस वाइफ या वर्किंग वाइफ, डिनर या फिर भूख हड़ताल, यह उनका फैसला है। हमने जो एक बात बोल दी सो पत्थर की लकीर। कन्हैया चतुर्वेदी के मुंह से जो निकला वो भ्रम वाक्य है। कन्हैया को इतने गुस्से में तो पहले कभी नहीं देखा, अचानक से क्या हो गया? कोई तो बात है। सोना, तुम्हारे और कन्हैया के बीच कुछ हुआ है क्या? इतना गुस्सा? हमें भी समझ में नहीं आ रहा दीदी, अचानक से ये। सोना, इस घर में सभी मम्मी जी की बात मानते हैं, पर कन्हैया हमेशा अपने दिल की करता है, पर आज अचानक हमें लगता है किसी ने जबरदस्ती उससे ये काम करवाया है ना कन्हैया, और इतना गुस्सा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आप ठीक कह रहे हैं दीदी, वो जरूर किसी दबाव में आकर ये सब कह रहे हैं, हमारी वजह से परेशान है। शायद प्यार से बात करके सब कुछ ठीक हो जाए। सोना बहू, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, सब तो बर्बाद ही होना। हाँ, अगर तुम हमारी शर्तें मान लेती हो तो खाना बना सकती हो। हे प्रभु, आप सोना की किस बात की परीक्षा ले रहे हैं? पति और परिवार तो हाउसवाइफ की ताकत होती है, और आज सोना के साथ वो दोनों ही नहीं है, ये किस बात की सजा है? आज तक भरे मन से हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगना चाहते हैं, सोना के लिए। उसकी विपदा हरो प्रभु, उसकी विपदा हरो। भगवान के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तुझे पता है ये राम भगवान बहुत भोले दिल के, फिर भी अपनी पत्नी सीता का वनवास और अग्नि दिव्य नहीं बचा पाए। तुझे गिड़गिड़ाना ही है, तू जाके सोना बहू के सामने गिड़गिड़ाना, तभी जाके वो अपने टूटे हुए रिश्ते और परिवार को बचा सके। माँ जी, भगवान तो सब देखते हैं ना, फिर वो किसी के साथ इतना बड़ा न्याय कैसे होने दे सकते हैं? कन्हैया और सोना के बीच में अनबन नहीं होनी चाहिए। इस वक्त ना तू जज है ना ये भगवान जी, इस वक्त जज है तो सिर्फ रास रचैया पुलिस वाला कन्हैया, वो ही तेरी सोना बहू को बचा सकता है। कन्हैया ने बहुत समझाया फिर भी कुछ फायदा नहीं, जाके अपने सोना बहू से कह देना कि सविता ताई ने कह दिया है, अब खुदकना बंद कर, वरना ये कन्हैया उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा। नहीं माँ जी, ऐसे मत कहिए। तो जाके कह दे अपनी सोना बहू से कि सविता ताई ने कह दिया है कि पति से रिश्ता टूटने से पहले गलती सुधार दे और हाउसवाइफ की जिम्मेदारियों से पल्ला झटक दे, समझे?
कैसे मनाऊं, हाय कैसे मनाऊं, क्यों न बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे मोहन, क्यों कैसे मनाऊं, हाय कैसे अगर फैसला बदल लिया हो तो बता दीजिए, और अगर नहीं बदला हो तो बदले में ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। सुन, कैसे हम तो आपको वचन दे ही चुके, हम अपना साथ आपके साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। मम्मी जी और उनकी सहेलियों का खुशी खुशी उपवास तोड़वाइए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जा रहे हैं, और तब तक नहीं आएंगे जब तक आप अपना फैसला नहीं बदल लेती। क्या करे समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे उनके बीच रिश्ते का इम्तिहान है या हमारे हाउसवाइफ बनने की फिर एक चुनौती। दिल की सुने या दिमाग की सुने या दादी। सोना बेटा, चूड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन उसे बरकरार रखना, सही सलामत रखना, ये तो हमारी जिम्मेदारी होती है ना। पर दादी, हम जिस दहलीज पर खड़े हैं वहां कुछ बचाने के लिए कुछ गवाना है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा दादी, आप ही हमें बताइए हम क्या करें। सोना, तेरी तड़प और प्यार की चाहत देखकर ये लग रहा है कि तुम दोनों के दिल के तार मिल चुके हैं। अब तो तू वही करना जो तुझे सही लगे, और मेरी मान तो अपने मन की सुनना। देख सुनैना, मुझे पूरी आशा है तेरी बहू सोना आज सारे हथियार डाल देगी और सारे परिवार के लिए खाना पकाएगी। सोना बहू जहां भी गई है बस उसके लौटने का इंतजार है। सुनैना, उसके पास हमारी बात रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अरे तो फिर चिंता किस बात की है, सब ठीक हो जाएगा, आने दो। तो सोना बहू, क्या सोचा तुमने? हम आप लोगों को किसी भी तरह से दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर अगर हमारी वजह से आपको ठेस पहुंची हो तो हम माफी चाहते हैं। आप सब हमारी आदरणीय सास जैसी हैं, इसलिए हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। माँ जी, हम कल से ऑफिस जाएंगे। बस आप अपना उपवास तोड़ दीजिए, हम जल्द से जल्द आपका मनपसंद खाना तैयार करते हैं। ये सब तो हो गया, अब हम मम्मी जी को बुला ले। बस दीदी, खाना लगा देते हैं, उसके बाद बुलाते। तो बस लग गया खाना।
अरे ये संभल के गरम है। हम इसे तो संभाल लेंगे, पर तुम अपने जनाब को संभालो। फोन तो करो कन्हैया को, कहाँ है? थैंक गॉड आपने फोन उठा दिया। अच्छा सुनिए। सुनाइए। आप जल्दी से घर आ जाइए, खाना तैयार है। अच्छा तो मतलब आप तैयार हैं? हाँ हमने फैसला कर लिया है, बस आप जल्दी से आ जाइए। बस तो जल्द से जल्द आपके दरबारे आम में पहुँच रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी, अगर आप मम्मी जी से बात कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। सोना का आत्मविश्वास टूट रहा है, बात बिगड़ रही है, वो हार रही है चाचा जी, और हमें उसकी हार को जीत में बदलना होगा। जानता हूं बेटी, सोना की हार हमारे परिवार के लिए सही नहीं होगी, लेकिन ये भी जानता हूं कि जो अच्छे और सच्चे होते हैं उनकी ताकत ईश्वर होता है। जिस लड़ाई की बुनियाद स्वार्थ और अहंकार हो, उसकी चुनौतियां एक बर्फ के ढेले की तरह होती हैं, जो सच्चाई और अच्छाई की रोशनी में पिघल कर अपना अस्तित्व खो देती हैं। देख सुनैना, हमने कहा था ना, हम तुम्हारे घर आए हैं, तुम्हारे घर का हुलिया बदल देंगे, किया कि नहीं? हाँ, और सुने ना, क्या बताऊँ, जिस तरह से सोना बहू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई ना, बस मन में तो खुशी की लहर दौड़ गई। हो अब जब सोना बहू ने हमें इतना खुश किया है तो हम सबको भी सोना बहू को खुश करना चाहिए। बोलो सोना बहू, हम सब खुशी से तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। आज जो भी आशीर्वाद हमसे मांगोगी तुम्हें मिलेगा। बोल बेटा, क्या चाहिए? अरे भगवान शंकर की तरह ऐसा आशीर्वाद भी मत देना कि लेने के देने पड़ जाए। तू चुप करना सुनैना। बोल बेटा, तू क्या मांगती है? ये सविता ताई तुझे आशीर्वाद दे। हाँ हाँ मांगो सोना बहू, क्या मांगना चाहती हो तुम, बोल। हाँ बहू, बेझिझक बोलो, बोलो क्या चाहिए। हाँ सोना बेटी, मांगो ना, बेझिझक मांगो। अरे ये सब तुम्हारी माँ समान है, मांगो। हम आप लोगों से कुछ मांगना नहीं चाहते, बस सिर्फ कुछ जानना चाहते हैं। क्या संस्कारों के धरोहर को संभाल के रखना गलत है? नहीं। जब एक लड़की अपने बाबुल के घर को छोड़कर अपने पति के घर आती है और उस घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाना चाहती है, तो क्या ये गलत है? नहीं। क्या पत्नी मर्यादा निभाने के लिए व्यक्तिगत खुशियों के साथ स्वार्थी होना सही है? नहीं। क्या एक बहू द्वारा अपने परिवार को नजरअंदाज करके पैसों को अहमियत देना ज्यादा जरूरी है? नहीं। तो हम हाथ जोड़कर
आप सबसे जानना चाहते हैं कि इस घर को, इस परिवार को संभालने के लिए, उसे एक नई दिशा देने के लिए, अगर हम अपने स्वार्थ, अपनी जरूरत, अपनी आजादी को नजरअंदाज करके हाउसवाइफ बने रहने का फैसला किया है, तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें, वर्किंग वाइफ बन जाए या हाउसवाइफ? चलो अभी हैप्पी एंडिंग हो गया है तो चलते हैं, सी टीवी पे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म आने वाली है, चलो चलो। भाई तुम लोगों ने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया, ये लड़ाई तो हम हार चुके। चलो इंग्लिश विंग्लिश ही देखते हैं। लेकिन सोना बहू, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, तो फिर चलिए आइए हमारे साथ, चलिए फिल्म देखते हैं। हाउसवाइफ है सब जानती है।